हेलो जी, ये अच्छा दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम सब लोग नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ आकर कृपया फूल ना तोड़ें। हेलो जी, मेरा नाम सौरभ है और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ नॉर्थ सिक्किम। अब जिन्हें नॉर्थ सिक्किम नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूँ कि कभी अगर आप सिक्किम आए और आप नॉर्थ सिक्किम नहीं गए तो फिर क्या खाक सिक्किम आए। थोड़ा सा सीन हो गया है, इन्होंने 10:30 का टाइम दिया था और मैं 10:30 पे ही आ गया। पर सबसे पहले अभी मैं ही आया हूँ। मैंने पूछा कि और कौन कौन आ गया है, तो बोले अभी आप ही आए सिर्फ, तो मैं भी शायद 11:30 तक निकल पाएंगे। मैं कल ईस्ट सिक्किम गया था, ईस्ट सिक्किम नाथुला पास वगैरह, वो इतना खूबसूरत है और लोग ऐसे कहते हैं कि नॉर्थ सिक्किम जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ईस्ट से ज़्यादा है। अब जब ईस्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो नॉर्थ कैसा होगा, मैं बस ये सोच रहा हूँ। और यहाँ बार बार वीडियो बनाने का मतलब ये है कि यहाँ से लाइट आ रही है तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसलिए मैं बोल। रास्ते में थोड़ा सा रुका है अभी गाड़ी और ये इधर वाटरफॉल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और सीन काफ़ी प्यारे हैं। कहाँ से आप? मेरा गांव वेस्ट बंगाल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत कंडीला। तब बताओ आपका नाम। ना मेरा नाम गौतम है। गौतम? मेरा नाम सुमित चौधरी है। मैं मेदिनीपुर से आया। आपका? हम सब लोग नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं घूमने के लिए। हम लोगों की कार अलग है पर अभी हम लोग सब सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने के लिए रुके हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। और ये भाई लोग भी काफ़ी दूर से घूमने आए हैं। का नाम है डिजिटल हल्ला। ओके, थैंक यू। फाइनली हम होटल पहुंच गए हैं और आप थोड़ा सा रूम टूर कर लीजिए। ये दो बेड हैं दो लोगों के लिए, पर मैं अभी सोलो हूं और बाकी अलग अलग तीन तीन चार चार लोग थे तो उनको अलग अलग रूम है। ठीक है, मुझे अलग पड़ गया, मेरे साथ एक और होता तो उसको भी साथ में इधर ही रख देते हैं ना। और ये वॉशरूम है, आप थोड़ा मुँह हाथ धुलेंगे, इस हालत को सुधारेंगे और फिर थोड़ा खाना पीना खाने जाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि जो पैकेज में जो खाना मिलता है वो कैसे मिलता है, तो पहले इस हालत को ठीक कर लिया जाए। दोस्तों, खाना ठीक था और आज के लिए इतना ही। आज का दिन इधर ख़त्म होता है और मैं काफ़ी थक गया हूँ, सो रहा हूँ, तो आपसे सुबह मुलाकात होती है, तो गुड नाइट। अभी इधर थोड़े टाइम के लिए रुका हुआ है और इधर व्यू बहुत ही शानदार है, मैं दिखाता हूँ गाड़ी निकलने के बाद। बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये काला पत्थर नहीं है, ये पत्थर हल्का सा ग्रीन में, ऐसा बोलते कई हमारे साइड कई बोलते उसको, वो लगा हुआ है, पर ये वाइट से कॉन्ट्रास्ट जो बन रहा है ना वो ब्लैक दिख रहा है। और
सीन कुछ ऐसे है। हेलो जी, अभी तक मालूम नहीं था पर अब पता चला है कि यही है काला पत्थर। ये जो लोकेशन है इसको काला पत्थर बोलते हैं। और इधर ठंडा है, थोड़ा सा सर्दी है, टेम्परेचर 1-1। और हम इधर थोड़ा सा अलग भाषा बोल रहा है, मुँह से ऐसा ही निकलता है। हम जिधर भी जाता है उधर का ही हो जाता है और हमें बहुत हंसी आता है। काला पत्थर घूम लिया है, अभी हम लोग इधर से जाएंगे लाचेन जहाँ हम रुके थे, वहाँ पे हमारा नाश्ता होगा, मतलब लंच होगा, नाश्ता तो हो ही गया है ना। और उसके बाद जाएंगे गुरु डोंग मार लेक, ऐसा ही कुछ नाम है। तो पैसे इसके हैं। सिक्किम वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने आने से पहले उम्मीद नहीं किया था इतना कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। काफ़ी ठंडा है इधर और इधर ऑक्सीजन का काफ़ी कमी है, ठीक है ना। तो इधर आप 15 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते हो। सीन कुछ ऐसे है। हम यहाँ पे 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो 10-15 मिनट हमारे खत्म हो गए और अब हम जा रहे हैं लाचेन। यस, लाचेन जहाँ हम रुके थे। यहाँ हवा इतनी तेज है ना कि बाहर कैमरा करके रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसे ऐसे कांप रहा है और इतना ठंडा हुआ है ना, जम जा रहा है पूरा। लाचून आ गए हैं और होटल भी मिल गया है। और ये एक नज़र आप मेरे रूम पर डाल लीजिए, ऐसा कुछ रूम मिला है मुझे। वो सीन कुछ सिंगल वाला चल रहा है, वो मैं आपको फुर्सत से समझाऊंगा। और मैं आपको मिलूंगा कल सुबह खाना खाने के बाद, खाना खाने और सोने के बाद, ठीक है जी। कुछ फूलों का बगीचा सा लग रहा है मुझे, पर है नहीं। ये यंगथुंग जो भी वैली का नाम है, यंगथुंग वैली ऐसा ही कुछ है, तो उसके रास्ते में पड़ता है ये। और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आकर कृपया फूल ना तोड़ें, यहाँ की खूबसूरती को बनाए रखें, ठीक है जी, ताकि जो लोग अब आएंगे हमारे बाद उन्हें भी ये मिल सके। ओके जी, अब चलते हैं यंगथुंग वैली। यस, जो भी हो। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, देखो, इसी को बोलते हैं यंगथुंग वैली। मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखाता हूं। वो फ्लैग दिख रहा है आपको,
पहले मैं उधर जाता हूँ और उधर से शायद ड्रोन उड़ाऊँगा मैं। तो देखते हैं यहाँ के सीन कैसे हैं। वैसे सीन बहुत ख़तरनाक है ना, बस ये है कि कोई दिक्कत ना हो ड्रोन में। बॉर्डर एरिया तो नहीं है, मैंने पूछा भी था कि यहाँ फ्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि उड़ा सकते हैं, बाकी कोई पुलिस आर्मी है नहीं कि उनसे थोड़ा सा कन्फर्म हो सके। उड़ाते हैं, रिक्स तो हम लेते ही हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज है। जब ड्रोन उड़ाया था ना तो ड्रोन सिग्नल कर रहा था कि सर ये आपकी आखिरी फ्लाइट हो सकती है। तो मैंने भी मन में ही सोचा कि अगर ये तेरी आखिरी है तो फिर तू उड़ना भी वैसे ही, लेकिन उसकी आखिरी नहीं थी, वापस आ गया। और सीन कुछ वो जो कहते हैं ना कि अगर सिक्किम आए और नॉर्थ सिक्किम नहीं आए तो क्या खाक सिक्किम आए, वो बिल्कुल सच बात है। नॉर्थ सिक्किम आने लायक जगह है, ईस्ट और नॉर्थ मैंने दोनों देखा, दोनों वर्थ इट है। मतलब दिमाग खोल दिया भाई कि यार मैंने इतनी खूबसूरत प्लेस पहले कभी देखी नहीं। और शायद ये है कि शायद देखूंगा। तो फिर इसी के साथ नॉर्थ सिक्किम टूर ख़त्म होता है। अभी एक लोकेशन बच रही है 0 पॉइंट पर, जो हमारा ग्रुप है ना 9 लोगों का है ना, जैसे आते हैं पैकेज में, तो वो लोगों को जाने का नहीं है। अब पता नहीं क्यों है ऐसा, है ना। तो फिर अब इसको ख़त्म करते हैं, सारा कंप्लीट हो गया है और कुछ छोटा मोटा रह गया हो तो रह गया हो, है ना। ठीक है जी, अच्छा लगा मुझे सिक्किम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा वेदर है मेरे लिए। क्योंकि अब जो लोग डेली यहाँ पर रह रहे हैं वो तो काफ़ी परेशान होते होंगे, कभी भी बारिश हो रही है, डेली शाम में बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है ना, लेकिन फिर भी खूबसूरत तो है। तो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में। ठीक है जी, बाय, ध्यान रखो अपना और खुश रहो। Hey guys, welcome back to my channel.